तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी 2 दिन पहले ही बयान आया था कि मैं कहीं भी जाने से पहले जिस जगह जाना होता है उस जगह के बारे में ड्रोन भेजकर सारी जानकारी ले लेता हूँ। किसी भी सरकारी कामकाज की भी जानकारी लेनी होती है हमें, तो मैं ड्रोन भेजकर जानकारी ले लेता हूँ और किसी को पता तक भी नहीं चलता है। दोस्तों, मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि एक बार अपना ड्रोन भेजकर जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनका दर्द भी देख लें। युवा आपकी सरकार में सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहा है, एक बार अपना ड्रोन भेजकर युवाओं के दर्द को भी देख लो मोदी जी। दोस्तों, पानीपत में युवाओं ने सेना भर्ती को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाली और अपील भी की कि सेना भर्ती को जल्द से जल्द निकाली जाए। दोस्तों, साथ ही उन युवाओं की मोदी सरकार से ये मांग भी है कि भर्ती निकाली जाए तो उनकी उम्र में छूट भी दी जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से आर्मी की भर्ती ना आने की वजह से कितने युवा ओवर एज हो गए हैं और वो अब भर्ती नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे कि कई राज्य में सेना भर्ती लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हमारी मोदी सरकार के कानों में कोई असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा राजस्थान का एक युवा 350 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान से दिल्ली तक दौड़ते हुए आया था कि हमारी मोदी सरकार को हमारी मांग दिख जाए और सेना भर्ती आ जाए। लेकिन दोस्तों, मोदी जी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हाल ही में हरियाणा का पवन नाम का एक लड़का आर्मी की तैयारी जिस ग्राउंड पर कर रहा था उसी ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती ना लगने से खुदकुशी कर ली है। दोस्तों, पवन ने उस ग्राउंड पर एक ऐसी लाइन लिखी थी जिसको देखने और सुनने के बाद सभी का दिल पसीज जाएगा। दोस्तों, पवन ने लिखा था, बापू इस जन्म में फौजी तो नहीं बन पाया लेकिन अगले जन्म में जरूर बनूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद हमारी मोदी सरकार को युवाओं के प्रति रहम नहीं आ रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, पिछले 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। दोस्तों, मैं भी आर्मी की तैयारी करता हूँ, मेरी तरह ना जाने कितने युवाओं की उम्र समाप्त हो गई है। दोस्तों, मेरी भी उम्र अब समाप्त हो गई है, मैं अब आर्मी की किसी भी भर्ती को नहीं देख पाऊंगा। दोस्तों, मेरा प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक ही अपील है कि आर्मी की भर्ती जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्मी की भर्ती मोदी जी लगवा दीजिए। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो मोदी जी तक पहुँच सके तो दोस्तों जितना हो सके उतना मोदी जी तक हमारा वीडियो जरूर पहुँचवाइए।